हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत झारखंड के सभी वासियों के लिए जो बाहर फंसे हुए हैं उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये सहायता के रूप में दिया जाएगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो दोस्तों, अगर आपने आवेदन दिए हैं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत, तो दोस्तों उसको ट्रैक कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको उसमें साइट एंटर करना है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करते हैं। साइड एंटर करने के बाद दोस्तों गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों गो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों कि अपने आवेदन की स्थिति जाने। तो दोस्तों, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे कि आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का और एक इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा, जिसमें कि आपको अपना आधार संख्या डालना पड़ेगा दोस्तों, और अपना मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डाल के आपको क्लिक करे पर क्लिक करना है। तो आइए दोस्तों, मैं आधार डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं डाल दिया हूँ डिटेल्स और मैं क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने नज़र आ रहा है दोस्तों, जिसमें कि लिखा हुआ है ऑपरेटर वेरीफाई, ऑपरेटर ने वेरीफाई कर लिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिन ने भी वेरीफाई कर लिया है, बट हमारा जो बैंक अकाउंट है और आधार नंबर है वो वेरीफिकेशन के लिए जा चुका है। तो दोस्तों, लास्ट स्टेप पे दोस्तों, अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएगा दोस्तों, और ये बहुत जल्दी जल्दी इसका प्रोसेस बढ़ रहा है दोस्तों, एक एक दिन में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो दोस्तों, लास्ट स्टेज पे आ गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, योर अकाउंट नंबर एंड आधार नंबर हैज़ बीन सेंड टू वेरीफिकेशन ऑन 20/4/20। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके आपके एप्लीकेशन में अगर ये शो कर रहा है कि योर अकाउंट नंबर एंड आधार नंबर हैज़ बीन सेंड फॉर वेरिफिकेशन ऑन 20/4/20, तो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में 24 आवर्स के अंदर पैसे आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और दोस्तों, अगर कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।